इलस्ट्रेटर की क्लास 3 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पेन टूल के उन स्टेप के बारे में जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, उसके कुछ रिलेटेड स्टेप को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेन टूल को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इस पट्टी पे क्लिक करने से, इस बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पेन टूल का चारों टूल बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरह से इस टूल को हम कहीं भी रख सकते हैं और इसको क्विक एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेन टूल को मैंने बताया था कि कैसे उससे ऑब्जेक्ट को ट्रेस करते हैं। आज मैं देखता हूँ वाटर ड्रॉप कैसे बनाया जाता है इससे। तो वाटर ड्रॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर इधर एक बॉल बनाते हैं, फिर एक सेंटर में इस तरह से मूव करते हैं और इस तरह से करते हैं और वापस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको इस तरह से एस टाइप का शेप बनाना कर, अब यहाँ का टेंजेंट हटाना है, इस पर नॉर्मली क्लिक कीजिए, वो टेंजेंट हट जाएगा क्योंकि अगला शेप मेरे को इधर से अंदर साइड से चाहिए था। तो इस तरह से उसके टेंजेंट को हम हटा सकते हैं और जहाँ पे लास्ट में क्लिक किए वहाँ पे ज्वाइंट कर दे। इस तरह से इस टाइप का शेप बना लें। अगर आपका शेप में कोई गड़बड़ी है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर आप उसे एडिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर आप कोई शेप बना रहे हैं तो ऐसे आपने टेंजेंट निकाला, अब आपको लग रहा है कि इस टेंजेंट को मैं मूव करूं, तो फिर आप इसे कंट्रोल दबा करके मूव कर सकते हैं, जिससे लाइव आप उसके पोजीशन को दूसरी जगह पर रख सकते हैं। यानी कि प्रीवियस जो शेप बन चुका है उसे आप अभी स्टिल उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो फिर दूसरी जगह पर क्लिक कीजिए। दूसरी जगह पर जैसे ही क्लिक करेंगे और माउस दबा कर खींचेंगे, तो अगर आपने अल्ट के साथ खींचा है तो जो फ्यूचर वाला टेंजेंट है उसके डायरेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अभी जो हमारा लाइन का कर्व आएगा वो मैं नीचे से चाहता हूँ, तो इस टेंजेंट को मैं नीचे ले लूँगा, तो अगला जो है कर्व बिल्कुल नीचे से आएगा। देखिए अभी नीचे से आ रहा है। यानी कि आप अल्ट से अगर किसी पॉइंट पे खींचते हैं तो आने वाला टेंजेंट आपका किधर से आना है उसके टेंजेंट को मूव कर सकते हैं, और कंट्रोल से जो प्रीवियस वाला टेंजेंट है उसको मूव कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल और अल्ट का यूज आप बढ़िया से समझने के लिए उसकी प्रैक्टिस पे लगातार बने रहिए। आगे देखते हैं ये प्लस और माइनस का यूज क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी पाथ उस पर प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। अगर हम पेन टूल से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, प्लस से हम कहीं भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और माइनस से किसी भी एंकर पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह अगर ये हमारा रेक्टेंगल सेलेक्ट है तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लिए और माइनस वाला से इस पॉइंट को हम रिमूव कर दिए। तो कभी कभी भी जरूरत पड़े कि पॉइंट्स को हटाना है या रिमूव करना है तो आप पेन टूल के प्लस और माइनस कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। हटाने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर कोई पॉइंट्स को आप हटाना चाहते हैं टेंजेंट के साथ और उसके सेगमेंट के साथ, तो आप डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से उस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट कीजिए। आप जिस एक्टिव पॉइंट को हटाएंगे उससे निकले हुए दोनों टेंजेंट गायब हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक ही लाइन को गायब करना चाहते हैं तो लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। इस तरह से जो टेंजेंट या जो आप सेगमेंट सेलेक्ट किए हैं वही सेगमेंट गायब होगा, बाकी का ऑब्जेक्ट आपका बचा रह जाएगा। तो ये तीन कमांड्स आपने देख लिया है। इसे हम देखते हैं एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल से आप किसी भी एंकर पॉइंट के टेंजेंट को मूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ये रेक्टेंगल है, हमने एंकर पॉइंट टूल लिया और इस पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे तो वहाँ से दो टेंजेंट निकलेगा और टेंजेंट के साथ में उसमें कर्व आ जाएगा। तो हम दोनों तरफ से टेंजेंट निकाल लिए और इधर वाले पॉइंट से भी निकाल लेते हैं टेंजेंट और इस वाले पॉइंट से भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये रेक्टेंगल था, लग रहा आप उसके टेंजेंट से रेक्टेंगल के स्मूथ स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये कर्व नहीं चाहिए तो इस वाले टूल से फिर से उस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट को निकाला था, यानी कि इसमें कर्व आप डाले हैं तो कर्व को हटा सकते हैं या बीच में भी पकड़ के इस लाइन के कर्व को आप चेंज कर सकते हैं बिना टेंजेंट को मूव किए। टेंजेंट हम मूव नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली लाइन को पकड़ के मूव कर रहे हैं और लाइन से हम सेट कर पा रहे हैं कि हाँ मुझे कर्व की डायरेक्शन किस जगह पर रखनी है, एस वाली शेप चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप टेंजेंट से स्मूथली एडिट कर पाएंगे। अगर टेंजेंट से काम करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप लाइन को मॉडिफाई कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसका एक दूसरा यूज बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्किल है और इस सर्किल के टेंजेंट को मुझे यूज करना है, चेंज करना है। जैसे मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया हूँ, अगर एक टेंजेंट को ऊपर करते हैं तो दूसरा नीचे आ जाता है,
दूसरा को ऊपर करते हैं तो पहला नीचे आ जाता है। दोनों टेंजेंट एक दूसरे से लिंक है और लिंक होने की वजह से यहाँ का जो लाइन का सेगमेंट का जो कर्व है बिल्कुल स्मूथ बन रहा है। अगर ये दोनों टेंजेंट आपस में लिंक होगा तो कर्व बिल्कुल स्मूथ बनेगा, लेकिन मेरे को लिंक तोड़ना है तो इस टूल से वापस उसके लिंक को तोड़ सकते हैं। अब आप देखिए कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे से अलग हो गया, ये बिल्कुल दूसरी जगह पर है और ये दूसरी वाले भी बिल्कुल उसके सामने है, यानी कि दोनों एक दूसरे के सामने। मुझे लिंक फिर से जोड़ना है तो फिर से वापस वही टूल लीजिए और फिर से एंकर पॉइंट पे क्लिक करके खींचिए। आप जब खींचेंगे तो फिर से लिंक के साथ दोनों टेंजेंट निकलेगा और हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेगा। तो इसका दो तीन काम है, बढ़िया से समझ लीजिए। पहला, अगर आपको कर्व नहीं चाहिए तो टेंजेंट को हटा दें, कर्व चाहिए तो फिर से खींच के टेंजेंट को निकाल लें, और इस टेंजेंट के लिंक को तोड़ना है तो फिर एक टेंजेंट को सेपरेटली मूव कर दें तो ये लिंक टूट जाएगा। और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो दोनों टेंजेंट इंडिविजुअल वर्क करेगा, ये आप इस तरह का वर्क कर सकते हैं। तो ये चारों टूल आपने बढ़िया से समझ गया है। आगे मैं बताता हूँ कि पेन टूल के दूसरे ऑप्शन से क्या होता है। जैसे ये है आपका, ये है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल से क्या होता है, जैसे आप कहीं भी क्लिक करोगे तो आपको केवल क्लिक करना है, कर्व ये ऑटोमेटिक बनाएगा, आपको कर्व के लिए टेंशन नहीं लेना है। और ये देखिए कर्व ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। तो इस टूल का एक खास बात है, कर्व ऑटोमेटिक आपके सेलेक्टेड पॉइंट के बीच में बनाता है। अगर मैं कर्वेचर टूल से इस तरह से रैंडमली कहीं भी क्लिक करूँ तो देखिए इस तरह से कर्व बन गया। आसानी से कर्व बना सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिजाइन में। टाइप टूल में देखते हैं क्या है। टाइप टूल में आपके पास दो टूल या चार टूल मिलेगा, काफ़ी टूल है। तो मैं ये सारे टूल को बताता हूँ कि बारी बारी से किससे क्या होता है। पहला जो टूल है उससे दो तरीके से हम टाइप करते हैं। पहला, कहीं भी क्लिक कर दें और हम टाइपिंग स्टार्ट कर दें तो इसे बोलते हैं पॉइंट टूल। कहीं भी क्लिक करके आपने लिखना स्टार्ट किया तो आपका टेक्स्ट का कोई बॉन्डिंग बॉक्स नहीं बनता है। इसका मतलब आपने अगर कहीं पे क्लिक करके लिखना स्टार्ट किया तो ये पेज के बाहर भी चला जाएगा, इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं कि कहां तक ये टेक्स्ट जाएगा। पेज के काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, बॉटम में भी काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन इसी टूल से जब आप एक हिडन बॉक्स बनाते हैं, इस तरह से माउस को ड्रैग करके खींचते हैं तो एक बॉक्स बनता है और इस बॉक्स के इनसाइड में आपका टेक्स्ट टाइप होगा। तो सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं कि हमारे को कितना बड़ा एरिया में टाइप करना है। तो मैं जब इतना बड़ा एरिया एक बॉक्स बनाया तो टाइप इसी के बीच में होगा और इसे बोलते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट में ऑटोमेटिक पैराग्राफ फिल हो जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, इस पैराग्राफ में अगर टेक्स्ट मैं टाइप करूँ तो इस फॉन्ट में ऐसा दिखाई देगा। आप इसका फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, उसके साइज को बड़ा कर देते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ में जो डमी टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट इसमें फिल हो चुका है और ये फॉन्ट लाइफ चेंज हो रहा है। इसमें जो भी एडिटिंग करना है डमी टेक्स्ट में अप्लाई हो जाता है। आप इसे फिर बदल सकते हैं अपने रियल टेक्स्ट से। तो टाइपिंग टूल से दो तरह के टाइप होते हैं, पहला पॉइंट टेक्स्ट और दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट। अगर आपके पास एक पैराग्राफ टेक्स्ट और एक पॉइंट टेक्स्ट है तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे से बदल सकते हैं। उसके लिए पॉइंट टेक्स्ट के साइड में एक राइट साइड में राउंड डॉट है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके फ्रेम को हम कितना भी बड़ा छोटा कर लें, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट फिल होगा इस पैराग्राफ के अंदर ही फिल होगा। और ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसके पॉइंट पर डबल क्लिक करते हैं तो ये बन जाता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट या पॉइंट टेक्स्ट। और ये पॉइंट टेक्स्ट का कोई एरिया नहीं होता है, इसमें हम टाइप करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, जहाँ तक आपका टेक्स्ट होगा वहाँ तक जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो इंटर दबा दें, नहीं तो ये पेज के काफ़ी बाहर चला जाएगा। तो अभी हमने सीखा कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट से पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पैराग्राफ को आर्टिस्टिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के लिए आप कीबोर्ड में डिलीट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल से सबसे पहले हम कोई एक एरिया बनाते हैं। ये हमारा एक सर्किल है और मैं चाहता हूं कि इस सर्किल के इनसाइड में मैं टाइप करूं, तो ये एरिया टूल से इसके बीच में कहीं भी क्लिक कर दीजिए पाथ के ऊपर। और जैसे ही इसके पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक इसके पाथ के इनसाइड में टेक्स्ट फिल हो जाता है। आप उसके फॉन्ट को छोटा बड़ा करके और अपना टेक्स्ट इसमें टाइप कर सकते हैं। इसे सेंटर अलाइन कर ले,
यहाँ से राइट अलाइन कर ले, यहाँ से लेफ्ट कर ले, ये आपको कैरेक्टर प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाएगा। अगर प्रॉपर्टी के अंदर कैरेक्टर सेटिंग नहीं मिलता है तो आप इसमें से कैरेक्टर सेटिंग खोल लो, तो आपको टाइप में मिलेगा नीचे, ये रहा टाइप और इसमें कैरेक्टर, और इसमें से आप टाइपिंग के लिए फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या डायरेक्शन टेक्स्ट का रखना है। वैसे मेरे को प्रॉपर्टी में यहाँ पे मिल गया है। इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्सन में एक प्रॉपर्टी पैनल होता है जिसमें बेसिक कमांड सारे आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो हमने सीखा कि एरिया टाइप टूल से कैसे टाइप करते हैं। अगर हमारे पास एक हार्ट का सेप है, मान लीजिए एक दिल का सेप है, मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इसे 45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। अब मैं इसकी कॉपी करूँगा तो यहाँ पे कंट्रोल सी और इसी जगह पे पेस्ट करूँगा। अगर नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो ये थोड़ा मूव होकर पेस्ट होता है, लेकिन मेरे को उसी जगह पे पेस्ट करना है जहाँ से ये कॉपी हुआ था, उसके लिए कमांड है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ करते ही उसी के ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट पेस्ट हो चुकी है। इसका कलर मैं चेंज करके दिखाता हूँ। सिट के साथ बॉटम से मैं इसे छोटा करता हूँ और मैं इसे इतना छोटा करूँगा, ऊपर से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ओवरलैप से बाहर निकल जाए मेरा ये एरिया। अब इन दोनों में इस एरिया को रिमूव करना है, ब्लैक वाले रेक्टेंगल से इसको रिमूव करना है। दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे है सेव बिल्डर टूल। सेव बिल्डर टूल लेकर अल्ट के साथ इसको क्रॉस कर दीजिए जिसको नहीं रखना है। अगर अल्ट के साथ आप क्रॉस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से आप पॉइंट्स पकड़िए जिसे आपको राउंड करना है और ये सारे पॉइंट्स को पकड़ के राउंड कर दीजिए, आपका हार्ट का शेप आ जाएगा। मैं इसे रेड करता हूँ, ऑरेंज करता हूँ, जो भी कलर है, जो ब्यूटीफुल कलर है आप यहाँ से चूज कर लें। अब जैसे ही एरिया टाइप टूल से इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट का अपना कलर रिमूव हो जाएगा और इसके ऊपर केवल टाइप होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये हार्ट का दिल का शेप भी रहे और उसके ऊपर टाइप भी आ जाए, तो इसकी दो कॉपी बनानी होगी। पहली कॉपी मैं इसे एज इट इज रखूंगा, दूसरी कॉपी के लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ और इसको हल्का सा हम छोटा कर देते हैं क्योंकि टाइप मेरे को इसके इनसाइड में हल्का सा छोटा एरिया में चाहिए। टाइप टूल लेंगे, एरिया टाइप टूल लेकर इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको लेटर्स लिखना है, लेटर्स का कलर मैं ये रखता हूँ वाइट। इसी फॉन्ट के साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी ये इसके साइज पे बड़ा लग रहा और लग रहा लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके इसमें मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर दूंगा जिससे आपको ये पूरा भरा भरा दिखे। और इसे हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं और अब एरो टूल से देखते हैं। देखिए इस तरह का ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन का मतलब है कि ये जो हार्ट का शेप मैंने बनाया है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो इसके शेप से ज़्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गया, यानी कि कुछ टेक्स्ट जो है इसके इनसाइड में हाइड हो गया है। अगर आप इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो हिडन टेक्स्ट आपके माउस में आ जाता है और आप इसे माउस से बाहर निकाल कर कहीं भी एक फ्रेम बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों फ्रेम का एक दूसरे से लिंक हो गया है, इसका जो हिडन टेक्स्ट है वो दूसरे फ्रेम में शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आप इंटर मारते हैं बीच में कहीं पर भी तो इसका दूसरा फ्रेम में टेक्स्ट फ्लो होकर चला जाएगा, यानी कि इधर फर्स्ट वाले में टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो दूसरे फ्रेम में निकल जाएगा। लिंक से ही फायदा होता है। तो मैं यहाँ पर अंडू कर लेता हूँ और दूसरी वाली फ्रेम को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो उससे टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा, उसका जो टेक्स्ट है बचा हुआ वापस फिर इसके अंदर घुस जाता है। यानी कि अभी भी इससे हम जब लिंक बनाकर निकालेंगे तो वो टेक्स्ट हमारा बाहर निकल जाएगा, वो टेक्स्ट डिलीट नहीं होता जब तक कि आपका पहला फ्रेम डिलीट ना करे। आपका हिडन टेक्स्ट हमेशा इसके इनसाइड में रहेगा। ये फर्स्ट फ्रेम है, यहाँ पर देखिए वाइट बॉक्स है और अगर हम इस पर क्लिक करके एक दूसरा फ्रेम बनाते हैं तो इस फ्रेम को सेलेक्ट करने पे यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट फ्रेम नहीं है। जो फर्स्ट फ्रेम होगा इनपुट आपका वाइट होगा और जो लास्ट फ्रेम होगा उसका आउटपुट वाइट होगा। तो इससे पता चलेगा कि इसके आगे कोई लिंक नहीं है और इसके पहले भी कोई लिंक नहीं, यानी कि ये पहला फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम। इस तरह से आप लिंक को समझ सकते हैं कि पहला फ्रेम कौन सा है, दूसरा फ्रेम कौन सा है। तो मैं ये सेकेंड फ्रेम को हटा देता हूँ। अब हम आते हैं टाइप ऑन पाथ। अगर किसी पाथ पे आपको लिखना है तो टाइप ऑन पाथ कमांड के यूज को बढ़िया से समझ ले। अगर मैं ये दिल वाले लाइन पे लिखना चाहता हूँ कुछ, तो जैसे ही मैं ये दिल वाले लाइन पे लिखूंगा ये दिल का कलर आपका रिमूव हो जाएगा और वो बन जाएगा पाथ और उसके चारों एरिया पे आप कुछ ना कुछ टाइप कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर खत्म ना हो,
फिर भी हमारा टेक्स्ट दिखाई दे, तो मैं इसकी फिर से कॉपी बनाऊंगा। इसे मैं करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट इन फ्रंट करते हैं और थोड़ी सी साइज को मैं बड़ी कर लेता हूँ और फिर पाथ टाइप टूल से इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसे कॉपी करते हैं और इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। तो पाथ पे जब भी टाइप करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पाथ पे टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करें। उसके लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। एक सिंपल सा हम सर्किल बनाते हैं और मेरे को एक बेसिक लोगो बनाना है। बेसिक लोगो के लिए मैं इसके फील को स्ट्रोक में एक्सचेंज कर दे रहा हूँ। ये पहला सर्किल है, इसे मैं कॉपी करूँगा और उसी जगह पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। दूसरे सर्किल को अल्ट और शिफ्ट दबाकर छोटा करते हैं। तो शिफ्ट दबाने से तो रेशियो से छोटा था, अगर शिफ्ट नहीं दबाते हैं तो आपका रेशियो बिगड़ जाता है। शिफ्ट दबाने से रेशियो मेंटेन होता है, तो आप शिफ्ट दबाकर रखें। और अल्ट इसलिए दबाते हैं कि अल्ट नहीं दबाएंगे तो सर्किल साइड से छोटा बड़ा होगा, कॉर्नर से, इसलिए अल्ट दबाएंगे क्योंकि मुझे सेंटर से छोटा बड़ा करना है। तो हम इस तरह से एक फ्रेम तैयार कर लिए और अब मेरे को चाहिए कि इन दोनों फ्रेम के बीच में कुछ लिखा हो। तो मुझे कुछ लिखना है, जैसे कि ऊपर में मुझे कुछ लिखना है, बॉटम में कुछ लिखना है। उसके लिए एक फिर से पाथ लेंगे क्योंकि अगर हम इसी आउटलाइन पे लिख दें तो ये आउटलाइन नन हो जाएगा और इसके ऊपर टेक्स्ट हो जाएगा। तो मेरे को चाहिए एक डिफरेंट पाथ, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इस सर्किल को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और सेम जगह पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एफ दबाएंगे और इसको थोड़ी सी मैं बड़ी कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर हमारा टेक्स्ट टाइप हो। अब पाथ टूल से इसको सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे क्लिक कर रहा है। अब यहाँ पे टाइप करेंगे, कैपिटल लेटर में टाइप करता हूँ। और अब मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, मैंने फॉन्ट भी बड़ा कर लिया है। ये हमारा टाइप हो गया है। ये मुझे टॉप में चाहिए, तो इसे रोटेट कैसे करेंगे, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लीजिए। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से इसे रोटेट कर सकते हैं, शिफ्ट दबाकर बिल्कुल 90 डिग्री और 90 डिग्री, 45 डिग्री, 25 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेंगे, बिल्कुल सीधा रोटेट होगा। तो मैंने इसे 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर लिया। माउस को रोटेट करके देखें, शिफ्ट दबाकर, तो परफेक्ट एकदम बैलेंस डिग्री पे रोटेट होता है। माउस के साथ इसे रोटेट करें शिफ्ट दबाकर। अगर शिफ्ट आपने नहीं दबाया है तो इसका रोटेट थोड़ा सा टेढ़ा, जैसे कि थोड़ा सा ऐसा हो सकता था, लेकिन शिफ्ट दबाने से वैसा नहीं है, बिल्कुल ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल बैलेंस में है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके कंट्रोल्स को। तो जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स है और एक सेंटर में पॉइंट्स है। इसकी यूज क्या है? ये पहला पॉइंट बताता है कि आपका टेक्स्ट राइटिंग स्टार्ट कहाँ से होना है। मेरे को यहाँ से राइटिंग स्टार्ट होना है और इंड कहाँ पे होना है। तो ये सेकंड वाली लाइन को बिल्कुल, लाइन को पकड़िएगा, लाइन के बीच के डॉट को नहीं पकड़िएगा, और मेरे को इंड यहाँ पे करना है। अब मैंने आपको बताया था जब टेक्स्ट फ्रेम मैं बनाता हूँ, पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स बनता है, एक पहला पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट। इसका यूज क्या है? ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट को बोलते हैं इन इनपुट पॉइंट और दूसरा आउटपुट पॉइंट। तो इनपुट और आउटपुट बताता है कि ये फ्रेम किससे लिंक है। अगर इनपुट ब्लैंक है, वाइट है, तो ये फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम का पार्ट नहीं है, बिल्कुल ये बिगनिंग है। और आउटपुट वाइट है तो इसका अनदर लिंक दूसरे फ्रेम से नहीं है, ये बिल्कुल एंड पार्ट भी यही है और स्टार्ट पार्ट भी यही है। अगर मैं यहाँ से इस फ्रेम को छोटा करता हूँ तो प्लस का मतलब, ये रेड होने का मतलब आउटपुट की कुछ मैटर आपके इसके इनसाइड में हिडन हो गया है। आप इसे क्लिक कीजिए और दूसरी जगह पे उसको फ्रेम बना के निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास दो फ्रेम है, कैसे पता करेंगे फर्स्ट फ्रेम कौन है जिसका बिगनिंग वाइट हो, और कैसे पता करेंगे एंड फ्रेम कौन है जिसका एंडिंग वाइट हो। तो उसी तरह से यहाँ पे जब पाथ पे लिखे तो ये बिगिनिंग वाइट है और एंडिंग रेड है। रेड का मतलब है कि कुछ मैटर इसके इनसाइड में हाइड हो गया। आप इसे क्लिक करके दूसरी जगह पे निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को दूसरी जगह पे नहीं निकालना है, मेरे को इस सर्किल पे ही पूरा टेक्स्ट चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से रखते हैं और एंडिंग पॉइंट भी यहाँ से रखते हैं।
एंडिंग पॉइंट के लिए इसको मैंने पकड़ के मूव किया था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, इसे नहीं पकड़े। इसे पकड़ना तभी है जब आपका इसका लिंक को दूसरे फ्रेम में डाल रहा हूँ। तो मैं लाइन को पकड़ के इसे मूव कर रहा हूँ, एंडिंग भी मेरे को यहीं पे चाहिए, बिगिनिंग भी यहाँ से, एंडिंग भी यहाँ से हो रहा है। लेकिन यहाँ से तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा अलाइनमेंट देखिए सेंटर है। अगर हम इसे लेफ्ट करते हैं तो देखिए बिगनिंग यहाँ से हो रहा है और जब लेटर पूरा कंप्लीट टाइप करेंगे तो यहाँ तक टाइप होगा, उसके बाद सब हाइड हो जाएगा, इनसाइड में चला जाएगा। तो मैं अलाइनमेंट सेंटर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को रांची लिखना है। तो इस बार रांची लिखना है तो रांची मेरे को दूसरे डायरेक्शन में लिखना है, तो मैं इसका एक कॉपी कर लेता हूँ। एक कॉपी को बाहर किया, इस पर रांची मैं टाइप कर रहा हूँ, रांची नहीं फ्री मैं टाइप करूँगा। और लर्न एलिस्ट्रेटर फ्री का मैं एक लोगो बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने फ्री टाइप कर लिया है। अब इस फ्री को रोटेट करके नीचे लाना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको कंट्रोल्स बता रहा था कि जब आप कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दो पॉइंट से तो आप भली भांति वाकिफ हुए हैं, अभी मैंने बताया है। एक बीच में सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है। इसे टॉप में रखा तो दोनों इन पॉइंट और आउट पॉइंट दोनों बॉटम में चला गया है। अगर इसको हम नीचे रखते हैं तो इन और आउट दोनों ऊपर चला जाता है। इन आउट को कहाँ पे रखना है या फिर सेंटर पॉइंट कहाँ पे रखना है, आप इसे घुमाकर सेट कर सकते हैं। तो इसका पहला काम है रोटेट कराना। दूसरा काम है अगर हम इस ये ब्लू वाली लाइन है, ये मेन सर्किल है जिसके ऊपर टेक्स्ट हमारा टाइप हुआ, अगर ये वाला लाइन को पकड़ कर ब्लू लाइन के नीचे रखते हैं तो लाइन के इनसाइड में ये टाइप हो रहा है टेक्स्ट, और ये वाली लाइन को उठाकर फिर से बाहर करते हैं तो ये लाइन के इसको उठाकर बाहर करते हैं तो लाइन के आउटसाइड में इनसाइड। एकदम सिंपल है, इनसाइड टाइप करना है कि आउटसाइड टाइप करना है वो सेट कर ले आप। तो मैं अंडू करता हूँ इसे और इसे रोटेट करा कर नीचे लाते हैं और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब इसे पकड़ कर ऊपर कर देते हैं ताकि ये उल्टा हो जाए और सर्किल को बड़ा कर देते हैं। तो आप शिफ्ट जरूर दबाएं, अल्ट भी दबाएं जिससे सेंटर से बड़ा होगा, लेकिन फॉन्ट भी बड़ा हो रहा है क्योंकि जब हम स्केल कर रहे हैं सर्किल को तो उसके साथ में टेक्स्ट भी बड़ा छोटा होता है, कोई बात नहीं। अब आप टाइप टूल से टाइप को सेलेक्ट कर ले और आई ड्रॉपर से प्रॉपर्टी चूज कर ले ये साइज का। तो फिर से फॉन्ट की साइज को हमने छोटा कर लिया है, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, अब सही जगह पे आ गया है और इसे मूव करके हम सही जगह पे रख देते हैं। ये जो बीच का खाली गैप है यहाँ पे मैं एक स्टार बना लूँगा और यहाँ मैं जैसे ही स्टार बना रहा हूँ तो एक स्टार मैंने ऐसे बनाया और दूसरा स्टार ऐसे बनाया, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्किल पे लोगो तैयार हो गया है। बीच में हम कोई मोनोग्राम, कोई सैम्बल डाल सकते हैं, कोई बुक की सैम्बल या कोई कंप्यूटर की सैम्बल, माउस की सैम्बल डाल सकते हैं। तो लोगो तैयार करने के लिए आपको टाइप ऑन पाथ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसे रोटेट करने के उसके सारे कंट्रोल्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट कमांड है, ये जो तीन कमांड है, ये फर्स्ट वाला जो तीन है उसी का ये तीन कॉपी है। कैसे चेक करते हैं, अभी हमने जो लिखा है ये वाला आपका वर्टिकल टाइप करता है, ये वाला जैसे मैं एक सिंगल क्लिक करूँ तो ये सीधा सीधा वर्टिकल टाइप हो रहा, इंटर दबाएंगे तो फिर दूसरा लाइन ऐसा होगा, इस तरह से वर्टिकल टाइप होगा। और अगर पैराग्राफ बनाकर टाइप करेंगे तो भी ऐसे वर्टिकल टाइप होगा, तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। और अगर एरिया टाइप टूल लेते हैं, एरिया टाइप टूल लेने से पहले आपको एक एरिया बनाना होगा, आप एक एरिया ड्रॉ कर ले और एरिया टाइप टूल ले और इसके लाइन पे क्लिक कर दे तो इसके एरिया पे वो टाइप हो जाएगा, लेकिन सारा वर्टिकल टाइप होगा। और पार्ट टाइप टूल लेंगे तो भी वर्टिकल टाइप होगा, जैसे कि हम एक बॉक्स लेते हैं और इस पर पार्ट टाइप टूल से क्लिक करते हैं तो देखिए इसका टाइपिंग का स्टाइल बिल्कुल अलग है, रिजल्ट कुछ कुछ वैसा ही आ रहा लेकिन टाइपिंग का स्टाइल बिल्कुल अलग है। अब यह है टाइप टच टूल, इसका इस्तेमाल काफ़ी मज़ेदार है। इसके लिए हम एक सिंपल सा टाइप कर लेते हैं, और ये मैंने एक वर्ड टाइप किया फ्री। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा जिग जैग टाइप का लेटर दिखाई दे, कोई बड़ा कोई छोटा रैंडम प्लेस पे। तो टच टूल से हम किसी लेटर को पकड़ सकते हैं और उसको इंडिविजुअली बड़ा छोटा उसे रोटेट वगैरह कर सकते हैं
और उसके पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्री वर्ड को हम सेट कर रहे हैं और इंडिविजुअल लेटर पे काम करने से काम काफ़ी आसान हो जाता है। और इस तरह से हमने इसे सेट किया है और इसकी कलर को भी सेट कर सकते हैं। हर लेटर का अलग अलग कलर डिफाइन कर लीजिए। ये एक लेटर एक ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करेगा, लेकिन टाइपिंग टूल से अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ये एक सेंटेंस है, एक साथ ही सेलेक्ट होता है। तो ये आपका टच टूल इस प्रकार काम करता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे इसके अदर टूल्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।